हाय फ्रेंड्स, अनु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पंजी रसगुल्ला की रेसिपी लेकर आए हैं जो सबको बहुत पसंद आती है। तो जिस तरह से रक्षाबंधन आ रहा है और बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो इसमें आप बना सकते हैं, इसको घर पे बना सकते हैं। और लॉकडाउन में हम बाहर से नहीं मंगा सकते कुछ भी, तो घर पर बनाइए। तो बहुत ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको इसमें इस रसगुल्ले में सिखाने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर इसको अंत तक देखिएगा और हर एक स्टेप आप इसको फॉलो करिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें दूध चाहिए। तो ये हमारा 1 लीटर 1 लीटर दूध है। ये हमने गाय का दूध लिया है, तो आप गाय का ही दूध प्रेफर करिए क्योंकि इसमें कम से कम इसमें लो फैट होता है। और बाकी अगर आप भैंस का दूध लेंगे बन तो जाएगा, लेकिन इसमें चिकनाई बहुत होती है और बहुत ज़्यादा फैट होता है उसमें, तो इसी वजह से रसगुल्ले फट जाते हैं और स्पंजी नहीं बनते वो, और या तो अगर बन भी गए तो फ्लैट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो आपको या तो आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो उसमें एक बार उबाला आ जाए तो उसमें ऊपर से क्रीम आप निकाल दीजिए, जो मलाई होती है उसको आप निकाल दीजिए, और या फिर आप गाय का दूध लीजिए तो जो है उससे बन जाता है बड़े आराम से। तो हमने फ्लेम ऑन कर दिया इसका, इसको हम थोड़ा चलाते रहेंगे। तो इसमें हमें मलाई नहीं चाहिए ऊपर, तो अभी ये उबला नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश दूध है मेरा। तो इसको उबाल देंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसको चलाएंगे जिससे इसमें मलाई न जमे। तो अभी देखिए इसमें उबाला आने वाला है, तो जैसे ये उबल जाएगा, एक उबाल जैसे आएगा हम इसको ऑफ कर देंगे। इसको देखिए हम बराबर चला रहे हैं कि इसमें मलाई ना आने पाए, इस चक्कर में इसको पूरा अच्छे से उबाल आ जाएगा। देखिए उबाल आने वाला है, तो ये उबल गया है, अब ऑफ कर दे रहे हैं हम इसको। हम 2 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चलाते रहेंगे, नहीं तो इससे मलाई आ जाएगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसको थोड़ा चलाते रहें और अभी बहुत ज़्यादा हमको ठंडा नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए। तो और तब तक हम ये इससे फाड़ने वाले हैं वेनेगर से। तो हमने अभी देखिए 2 चम्मच ले लिया हमने, और इसमें हम पानी जितना हमने वेनेगर लिया है उतना ही हमको इसमें पानी डालना है। तो पानी डाल देते हैं, तो बड़े चम्मच से हमने लिया था, तो ये हमारा छोटा चम्मच है, तो हम इसको 4 चम्मच डाल ले रहे हैं और इसको चला देते हैं। और इधर हम इसको चलाते रहेंगे, मलाई ना आने पाए इसमें। तो कभी भी बहुत हॉट में हॉट मिल्क हो तो उसमें डालेंगे तो वो फट तो जाएगा, लेकिन हमारा जो छेना होगा वो बहुत ही कड़ा हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा होने पाए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होने पाए। तो बस हल्का सा इसका जो इतना भाप दिख रहा है वो थोड़ा सा डाउन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि 1-2 मिनट हो गया है, और उसके बाद हम 1-1 चम्मच डालना शुरू कर देंगे। तो एक साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड, सिर्फ 1-1 चम्मच डालेंगे। तो बस अब 1 चम्मच डाल दे रहे हैं, अभी थोड़ा चलाएंगे इस तरह, बहुत हल्के हाथों से चलाना हमको। फिर 1 चम्मच इस तरह, तो अपने आप ही फटेगा ये अच्छे से। देखिए येलो कलर आ गया इसके अंदर, तो यही पहचान है कि अच्छे से हमारा दूध फट गया है। तो इसको हमको और नहीं फाड़ना। तो फ्रेंड, दूध की क्वालिटी के ऊपर भी हमको कोई भी चीज़ फाड़ने वाला लेना चाहिए। तो अगर आपका प्योर दूध आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का दूध है, तो उसमें आपको ज़्यादा मात्रा मिलानी पड़ेगी। तो इसको हमने 2 चम्मच एक्स्ट्रा लिया तभी अच्छे से फटा। तो आप भी इसी तरह करिएगा कि अगर आपका दूध एक बार में नहीं फट रहा है तो 1-2 चम्मच बढ़ा दीजिए। उसमें जितना चम्मच आप विनेगर या नींबू का डालें उतना ही पानी आपको डालना पड़ेगा। तो वैसे ही नहीं डालिएगा, पानी ज़रूर मिलाइएगा। तो देखिए बिल्कुल ठीक है ये, बस इसको हम छान लेते हैं। इस तरह कपड़ा ले लीजिए फ्रेंड, और इस तरह हमने छन्नी ले लिया है, और उसके नीचे कोई भी आप इस तरह का बर्तन लगा लीजिए जिसमें इसका पानी जो है गिर जाए, और हम इसको छान लेते हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा छेने को पानी के साथ नहीं रखना है, अगर हम बहुत देर तक इसको इसी के पानी में रखेंगे तो ये कड़ा हो जाएगा। तो ये जो पानी है आप इसको चाहे यूज में ला सकते हैं, आटा वगैरह अगर आपको गूंथना तो उसमें लगा सकते हैं इस पानी को, दाल में पका सकते हैं, या फिर आप इसको रख दीजिए बोतल में भर के, दोबारा आपको अगर फाड़ना है पनीर वगैरह या फिर छेना बनाना है तो आप इस तरह से इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में भर के, मतलब
फ्रिज में रख सकते हैं आप बोतल भर के। तो ये पानी पूरा निकल गया, इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें ठंडा पानी डालना है, फ्रिज का बोतल है तो इसमें ठंडा पानी था हमारा, तो इसी से धो रहे हैं इसको। तो जो भी खटास है इसका विनेगर का वो निकल जाएगा फ्रेंड। इसको थोड़ा सा खोल के अच्छे से इसको धो लेना। तो जितना अच्छा सा आप इसको साफ करेंगे ये ठंडा भी हो जाएगा और इसका खट्टापन भी दूर हो जाएगा। तो धोना बहुत ज़रूरी है अच्छे पानी से, साफ़ सुथरे पानी से और ठंडे पानी से। अगर आपका ठंडा नहीं तो नॉर्मल पानी से भी आप इसको अच्छे से धो सकते हैं। तो ये हो गया, तो अभी एक बार और धोएंगे, इसका पानी भी फेंक देंगे हम पूरा। तो इस तरह से सारा दो पानी से हमने धोया इसको अच्छे से। तो ठंडा होने से इसका जो कुकिंग का जो प्रोसेस था वो भी रुक गया और अच्छे से तुरंत ठंडा हो गया। तो जितना पानी आराम से निकल जा रहा है उतना हम इसको निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसको हमको निचोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ही सूखा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें हमें नहीं रखना है फ्रेंड। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, पानी इसमें उतना ही रखना है जितना इसमें मॉइस्चर हो थोड़ा सा बस। इसका पानी निकल जाए इसलिए हम इसको कोई भारी बर्तन, मतलब इस तरह से कोई बड़ा बर्तन हो कोई या इस तरह से लोढ़ा हो या फिर कोई सिलबट्टा कुछ भी हो, आप जो भारी हो उसको इसके ऊपर रख लीजिए इस तरह। और इसको अगर ज़्यादा भारी है तो आधे घंटे तक काफ़ी है। देखिए अच्छे से सूख गया है और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है, बहुत गीला भी नहीं है, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो अब इसको हम देख लेते हैं कितना है ये। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें कुछ बाइंडिंग का आइटम डालना पड़ेगा जैसे कॉर्नफ्लोर वगैरह। तो आप देखिए एक कप से थोड़ा कम ही लग रहा है, तो इसको हमने देख लिया। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से इसको मसाज करेंगे इस तरह से। तो इस तरह ये सारी गरेली से करना है हमको थोड़ा थोड़ा ऐसे। तो अब देखिए पानी कहीं नहीं है, अब बिल्कुल अच्छे से सूख गया है ये और सॉफ्ट बहुत है ये। तो बहुत ज़्यादा जो सूख जाता है पनीर अच्छा नहीं होता फ्रेंड, तो उसे मोटे मोटे कण होते हैं और आप देखिए एकदम सॉफ्ट है ये। तो इसको हल्के हल्के हाथ से हमको रब करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना इसमें, बस इसमें जो वही मोटे मोटे जो कण होते वो नहीं होने चाहिए, जिससे हम जब गोली बनाएंगे तो उसमें धारी ना पड़े या फिर क्रैक ना हो, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो एक दो मिनट हम इस तरह कर लेंगे, उसके बाद हम इसे मिलाएंगे। तो फ्रेंड जब तक इसको हमको इस तरह से रब करना है तो हम चाशनी के लिए तैयारी कर लेते हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। तो जैसे ये हमारा एक कटोरी के करीब है ये, तो एक कटोरी है पनीर तो थोड़ा कम ही है, तो इससे हमको डबल लेना है चीनी। तो हम चीनी ले लेते हैं इसी के नाप का और कढ़ाई इधर हमने चढ़ा दिया है। तो बहुत भर के तो हमारा था नहीं छेना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा कम रखेंगे, थोड़ा कम है तो थोड़ा और डालेंगे। तो ये एक तरह से डेढ़ कप से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जितना चीनी है उसका दुगना पानी होना चाहिए फ्रेंड। अब चार कप भर के हम पानी डाल देंगे इसमें। फ्लेम ऑन कर दिया है और दो कप चीनी थोड़ा कम ही है और चार कप पानी हमारा है, तो यही रेशियो रखिएगा। तो इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं चीनी को, और अगर चीनी गंदी लगे तो उसमें एक चम्मच दूध का डाल दीजिएगा, एक बड़ा चम्मच, और अच्छे से चीनी को साफ़ कर लीजिएगा। तो फिर देखते हैं हमारी चीनी गंदी हो गई तो हम भी इसको साफ़ करेंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, तब तक हम इसको रब कर लेते हैं चीनी को।
उनको हल्के हल्के यहाँ से करना है, बहुत दबाव नहीं डालना है, नहीं तो इसमें से ऑयल निकलना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड अब जैसे ये एक कप था हमारा छेना, तो इसमें हम जो बाइंडिंग के लिए डालेंगे कॉर्नफ्लोर या मैदा, तो एक कप है तो हमें इसमें 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें मैदा। तो आप भी इसी तरह करिएगा, इसको हम बराबर चलाते रहें, नहीं तो ये चिपक जाएगा। मेल्ट होना, हमको किसी तार की चाशनी नहीं बनानी इसकी, तो बस अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आपका कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं, या सिर्फ मैदा से भी इसको बाइंड कर सकते हैं। तो देखिए घर में सबके पास ये वाली चम्मच होती है छोटी वाली, तो इसी का नाप रखिए। तो इसी को हम डाल दे रहे हैं बराबर करके, और इसका आधा हम लेंगे मैदा, तो इसको भी डाल दे रहे हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाना, और अच्छे से इसको हम करीब 6 से 7 मिनट अच्छे से धीरे धीरे हाथों से इसको रब करेंगे, ऐसे इस तरह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना हमको। अच्छे से मेल्ट हो गई फ्रेंड, और इसे हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो देखिए इसकी जो भी गंदगी है वो निकल आएगी। तो 1 चम्मच डाला हमने, थोड़ा और डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे और इसको उबलने देंगे, तो जो भी इसकी गंदगी है वो सब निकल आएगी बाहर। तो जो हम लोग का रसगुल्ला वाइट नहीं बनता वो इसी वजह से, क्योंकि चीनी जो है थोड़ी गंदी होती है। तो या तो आप बहुत अच्छी चीनी ले आइए। देखो हमने साफ कर लिया है, अब इसमें से हम कुछ इसमें चाशनी निकाल के रख लेते हैं, जब हमारा ये रसगुल्ला बन जाएगा तो इसी में डिप कर देंगे उसको। तो 7 चम्मच हमने इस तरह से निकाला है, तो उतना ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे फ्रेंड, तो ये ठंडा हो जाएगा और इधर हमारा ये रसगुल्ला भी तैयार हो जाएगा। इसमें निकाल लिया था चाशनी, अब उतना ही पानी हम डाल देते हैं इसमें। और 1 एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी कम था। आपको गोली बना लेनी है, बराबर भाग कर दिया हमने, और सब इस तरह से अच्छे से हथेली के बीच में इस तरह रख के उसको हमने कम से कम 7 मिनट अच्छे से रब किया था। और अभी देखिए इस तरह कर लेंगे, और इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना, नहीं तो देखिए अच्छे से गोला कर ले। बस इसको रख देते हैं, तो अभी जब डालना होगा तो एक बार और इसको इस तरह से गोल करेंगे। तो उबाल आ रहा है फ्रेंड, अब इसमें हम 1-1 गोली करके डालेंगे, और एक साथ सारा नहीं डालेंगे, 1-1 करके डालेंगे। तो इस तरह से डालेंगे, और इसमें बुलबुला हमेशा बना रहना चाहिए, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये राइज नहीं करेंगे हमारे रसगुल्ले। तो थोड़ा वेट करें, उसके बाद डालेंगे। तो बहुत देर से रखे हुए ये रसगुल्ले, तो इसको हाथ से थोड़ा इस तरह से सर्किल करेंगे। रसगुल्ले डाल दिए हैं, तो अभी हम इसको खोल के पका रहे हैं। तो कम से कम 3-4 मिनट हम इसको खोल के पकाएंगे, और उसके बाद इसको इस तरह से ढक्कन लगा देंगे, और फिर इसके 5 मिनट हमारा ढक्कन लगा हुआ रहेगा इसमें। तो इससे 8 मिनट हो गया है, और देखिए अच्छे से डबल हो गया है साइज़ में हमारा रसगुल्ला। देख रहे हैं इसमें कितनी अच्छी सी जाली भी दिख रही है। तो इसको हम निकाल के देखते हैं कि पक गया है कि नहीं। तो ये कम से कम 18 मिनट लगा हमको, इसको माफ़ कर दे रहे हैं फ्रेंड, 18 मिनट में हमारा रसगुल्ला अच्छे से पक गया है। और अब इसको हम इस तरह से पानी निकाल ले रहे हैं, और उसी में इसको डालेंगे, और इसको देखते हैं अगर ये जो है इसमें डूब जाता है तो ये पक गया है। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से इसमें डूबा हुआ है, बिल्कुल भी ये हिल नहीं रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तैर नहीं रहा है, तो यानी कि बिल्कुल फिट है। अब इसको हमने जो चाशनी बनाई थी
उसी में हम इसको रख देंगे। तो इसको अभी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसमें रखेंगे। तो आप देखिए कितना स्पंजी हमारा बन गया है, आप इसको देखिए कितना निकल रहा है इसमें जूस। तो ये बहुत हॉट है, तो हमारा चाशनी एकदम ठंडी होने वाली है। तो उसी चाशनी में हम रख देंगे, क्योंकि ये इतना मीठी नहीं होती है, और इस चाशनी में रखेंगे तो ये थोड़ा मीठा भी हो जाएगा। और हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डालेंगे इसमें, तो उसको भी डाल देते हैं पहले। केवड़ा एसेंस है ये, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो हाफ टी स्पून हमने डाल दिया। रसगुल्ले एक भी सिंक नहीं हुए हैं, अब बिल्कुल परफेक्ट बने हैं फ्रेंड। तो अभी ये जब अच्छे से 2 घंटे बाद हम फिर इसको दिखाएंगे कि कितना अच्छा हो गया है। तो इसको हम पानी सही से निकालेंगे, देखिए कितना अच्छा है। अब इसको तुरंत इसमें डालते जाएंगे। आपको दिखाएंगे तभी खाने लायक होगा। तो आप देख सकते हैं कितना स्पंजी, कितना अच्छा हमारा ये छेना वाला रसगुल्ला तैयार हो गया है। तो अभी जैसे जैसे इसमें चाशनी जाएगी, थोड़ा इसमें चाशनी निकाल के डाल दे रहे हैं। तो ये 2 घंटे बाद ही ये खाने लायक होगा। और आप इसको बना के रख लीजिए, रात में बना लीजिए, सुबह खाइए तो और अच्छा लगेगा ये। तो हम इसको फ्रिज में रखने जा रहे थे, फिर 2 घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा ये रसगुल्ला किस तरह से बना हुआ है। 1 घंटे के बाद ही हमने इसको निकाल लिया, और बहुत ही अच्छा सा ठंडा भी हो गया है। तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा जूसी है, और बहुत ही अच्छा स्पंजी है ये। तो इसको जहाँ हम इससे रखेंगे फिर फूल आ रहा है, तो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया ये। हमने इसमें प्लेट में इसको निकाल लिया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा जाली बना है। तो यही होता है इसका एक परफेक्ट रसगुल्ले की निशानी, अंदर तक जाली बनी हुई है और बहुत स्पंजी है फ्रेंड। तो इसको हम इसमें रख लेते हैं। बट हमने ये छेने का रसगुल्ला बना लिया है, तो बड़े आराम से बन जाता है, जल्दी से बन जाता है। तो सिर्फ 17-18 मिनट में हमने इसको अच्छे से पका लिया। तो आप भी इसी तरह बनाइए, और जो जो हमने बताया उस तरह सारी चीज़ें फॉलो करिए, तो बहुत अच्छा बन जाएगा, इससे भी अच्छा बनेगा। तो बनाइए, बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे जो भी रेसिपी हमारी है वो आपके जल्दी ही पहुँचे। और कमेंट करके बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।